आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। देखिए, एक पाव में करेला ले लिए हैं, 5 मीडियम साइज की प्याज, 3 टमाटर, 2 आलू। हम करेले को काट लेंगे। देखिए, एक साइज के गोल गोल हम करेले को काट लेंगे। देखिए, ऐसे ही हम सभी करेले को काट लेंगे। पूरे करेले को हम एक साइज में काटेंगे। देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज। देखिए, ऐसे हमें करेले को पूरे काट लेना है। देखिए, अब हमारा ये आखिरी करेला है, इसको भी हम ऐसे ही काट लेंगे। देखिए हमारा कितना फ्रेश करेला है। हमने करेले को पहले ही वॉश कर लिए थे। हम ऐसी सब्जी बनाएंगे कि कड़वी ना लगे करेले की। देखिए, मैंने सभी करेले को ऐसे ही काट ली हूँ। अब आलू काटेंगे। देखिए, मैंने आलू को छील भी ली हूँ और अच्छी तरह वॉश भी कर ली हूँ। अब इसको हम काटेंगे ऐसे, दो साइड दो भाग करेंगे और ऐसे काटेंगे। ऐसे हम सभी आलू काट लेंगे। देखिए, एक साइज में। देखिए, ऐसे 3 भाग भी हम करके काट सकते हैं आलू को। ऐसे ही हम दोनों को आलू को काट लेंगे ऐसे। अगर हमारे आलू ऐसे मोटे साइज में कटे हों तो इसको ऐसे 2 हिस्सा कर लेंगे। देखिए, अब हम प्याज को काटेंगे। हमें प्याज को ऐसे लंबे इसमें काटना है, जैसे नॉर्मली प्याज काटी जाती है। ऐसे ही हम 5 प्याज को काट लेंगे। देखिए, ऐसे हमें प्याज को काटना है। देखिए, हमारी लास्ट प्याज है, इसको भी हम ऐसे काट लेंगे। अब हमने प्याज को काट लिए हैं। अब हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, अब इसको हम काट लेंगे। इसको बारीक काटना है। देखिए, ऐसे ही हम सभी टमाटर काट लिए हैं। अब हम चलेंगे किचन में। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है, अब कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें हम ऐड करेंगे तेल। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च सूखी वाली। अब उसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, उसको हमने बीच से काट लिए थे। सूखी हुआ जीरा, कड़ी पत्ता। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज।
प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देंगे, इसको हम ढकेंगे नहीं, 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए हम धीरे धीरे इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए थोड़ी प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ा सा ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब उसमें हम ऐड करेंगे आलू। आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। हम चला लेंगे। पांच मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसको हम ढक्कन निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे करेला। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए अब इसका हम ढक्कन खोल लेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। देखिए ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी हमारा करेला कच्चा है। देखिए अब हमारा करेला सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। ज़्यादा हमें हल्दी ऐड नहीं करना है, कुछ भी हल्दी ऐड करना है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, करीबन 1/2 चम्मच। लेकिन मैंने ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं की थी। अब इसको हम 2 मिनट तक पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर डालने से हमारा करेला कड़वा नहीं लगेगा। अब इसको हम ढक देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। हमारा करेला की सब्जी बन चुकी है। देखिए अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमारा करेला की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप भी ऐसे करेले की सब्जी बनाइए। देखिए कितनी प्यारी और कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। ऐसे बनाने से हमारा करेला कड़वा नहीं लगता है। प्लीज़ ऐसे ही आप भी ट्राई कीजिए। जो करेला नहीं खाता होगा वो भी खाने लगेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।